से रुख करेंगे गुयाना का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे हैं, विदेश दौरे पर हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो, ह्यूमैनिटी फर्स्ट की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है। जब ह्यूमैनिटी फर्स्ट को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं तो नतीजे भी मानवता का हित करने वाले ही होते हैं। साथियों, हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतनी मजबूत है कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हर उतार चढ़ाव में हमारा संबल बनती है। एक इंक्लूसिव सोसाइटी के निर्माण में डेमोक्रेसी से बड़ा कोई माध्यम नहीं है। नागरिकों का कोई भी मत पंथ हो, उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, डेमोक्रेसी हर नागरिक को उसके अधिकारों की रक्षा की, उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी देती है। और हम दोनों देशों ने मिलकर दिखाया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक कानून नहीं है, सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है। हमने दिखाया है कि डेमोक्रेसी हमारे डीएनए में है, हमारे विजन में है, हमारे आचार व्यवहार में है। साथियों, हमारी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच हमें सिखाती है कि हर देश के नागरिक उतने ही अहम है। इसलिए जब विश्व को एकजुट करने की बात आई तब भारत ने अपने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का मंत्र दिया। जब कोरोना का संकट आया, पूरी मानवता के सामने चुनौती आई, तब भारत ने वन अर्थ वन हेल्थ का संदेश दिया। जब क्लाइमेट से जुड़े चैलेंजेस में हर देश के प्रयासों को जोड़ना था, तब भारत ने वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड का विजन रखा। जब दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हुए, तब भारत ने CDRI यानी कोएलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर का इनिशिएटिव लिया। जब दुनिया में प्रो प्लेनेट पीपल का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना था, तब भारत ने मिशन लाइफ जैसा एक ग्लोबल मूवमेंट शुरू किया। साथियों, डेमोक्रेसी फर्स्ट ह्यूमैनिटी फर्स्ट की इसी भावना पर चलते हुए आज भारत विश्व बंधु के रूप में विश्व के प्रति अपने कर्तव्य निभा रहा है। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी संकट हो, हमारा ईमानदार प्रयास होता है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचे। आपने कोरोना का वो दौर देखा है जब हर देश अपने अपने बचाव में ही जुटा था, तब भारत ने दुनिया के 150 से अधिक देशों के साथ दवाएं
और वैक्सीन शेयर की। मुझे संतोष है कि भारत उस मुश्किल दौर में गयाना की जनता को भी मदद पहुंचा सका। दुनिया में जहां जहां युद्ध की स्थिति आई, भारत राहत और बचाव के लिए आगे आया। श्रीलंका हो, मालदीव हो, जिन भी देशों में संकट आया, भारत ने आगे बढ़कर बिना स्वार्थ के मदद की। नेपाल से लेकर तुर्की और सीरिया तक जहां जहां भूकंप आए, भारत सबसे पहले पहुंचा है। यही तो हमारे संस्कार है। हम कभी भी स्वार्थ के साथ आगे नहीं बढ़े। हम कभी भी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़े। हम रिसोर्सेज पर कब्जे की, रिसोर्सेज को हड़पने की भावना से हमेशा हमेशा दूर रहे हैं। मैं मानता हूं स्पेस हो, सी हो, ये यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट के नहीं बल्कि यूनिवर्सल कोऑपरेशन के विषय होने चाहिए। दुनिया के लिए भी ये समय कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, ये समय कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने वाली कंडीशंस को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज टेररिज्म, ड्रग्स, साइबर क्राइम ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। और ये तभी संभव है जब हम डेमोक्रेसी फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट को सेंटर स्टेज देंगे। साथियों, भारत ने हमेशा प्रिंसिपल्स के आधार पर, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी के आधार पर ही अपनी बात की है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया तो हमारे ग्लोबल गोल्स कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है एवरी नेशन मैटर्स। मैं फिर दोहराऊंगा, एवरी नेशन मैटर्स। इसलिए भारत आइलैंड नेशंस को स्मॉल आइलैंड नेशन नहीं बल्कि लार्ज ओशन कंट्रीज मानता है। इसी भाव के तहत हमने इंडियन ओशन से जुड़े आइलैंड देशों के लिए सागर प्लेटफॉर्म बनाया। हमने पैसिफिक ओशन के देशों को जोड़ने के लिए भी विशेष फोरम बनाया है। इसी नेक नियत से भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल कराकर अपना कर्तव्य निभाया। साथियों, आज भारत हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है।
शांति के पक्ष में खड़ा है, इसी भावना के साथ आज भारत ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। भारत का मत है कि ग्लोबल साउथ ने अतीत में बहुत कुछ भुगता है। हमने अतीत में अपने स्वभाव और संस्कारों के मुताबिक प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए प्रगति करने का प्रयास किया है, लेकिन कई देशों ने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हुए अपना विकास किया। आज क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी कीमत ग्लोबल साउथ के देशों को चुकानी पड़ रही है। इस असंतुलन से दुनिया को निकालना बहुत आवश्यक है। साथियों, भारत हो